मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस न्यूज लाइव। सरप्रस न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है। नंदीग्राम में है, नंदीग्राम के 70 नंबर बूथ में है। हमारे सामने में नंदीग्राम के कुछ माँ बहनें साथ में हैं, कुछ भाई चचा लोग भी साथ में हैं। हम उनको बताते हैं नंदीग्राम की जमीनी हकाइक क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, नंदीग्राम की जनता क्या चाहती है, उनके माइंड में क्या सेट है, क्या चैनलों में जो दिखाया जा रहा है वो सच है भी नहीं है। हम डायरेक्ट बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं और डायरेक्ट सवाल का जवाब लेते हैं। आपका सरप्रस न्यूज लाइव में इस्तकबाल है, स्वागत है। इलेक्शन का जमाना है, दीदी ने यहाँ से नॉमिनेशन भरा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो बताइए। हम लोग दीदी को चाहिए, दीदी को चाहिए। कैसा महसूस कर रहे, फील कर रहे दीदी यहाँ से? आपके एमएलए दीदी होने वाले हैं? हाँ, दीदी होने वाले हैं। अपने बांग्ला टे बोलूं, कोई प्रॉब्लम? बांग्ला बोलो। हाँ बोलो। हमारा एखाने दीदी के सबाई चाहछी। কেন চাচ্ছেন দিদি? দিদি এখানে উন্নয়ন করছে ভালো। জি দিদি কাজ করছে ভালো। দিদি এই ঢালাই রাস্তা করে দিয়েছে, ঢালাই রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে এই কথা বলছি আপনাদের সঙ্গে। জি হ্যাঁ, ওই জন্য আমরা দিদিকে চাইছি। আপনার নামটা কি? আমার নাম শেখ আব্দুল মান্নান। শেখ আব্দুল মান্নান, হ্যাঁ। আপনি কি করেন? এই দেশে কাজ কাম করি। চলিয়ে হাম বাতে করতে হ্যায়, আর ভি হামারে সামনে মে হ্যায়। ক্যা নাম হো গিয়া চাচা? मुजफ्फर साहब, कितनी उम्र है आपकी? 56 ईयर्स। आपने 2007 आंदोलन देखे नंदीग्राम में? आपने आंदोलन से जुड़ तो छे, अखुन की महसूस कर चेन एखाने? दीदी ऐसे छे, दीदी जीतबे, पूरा समर्थन थाकबे, पूरा नंदीग्राम में समर्थन थाकबे? दीदी अगला खोटे दीदी कोई नहीं। दीदी को क्यों चाहते आप? अरे यार, इंजन करा है, इधर बहुत कुछ काम किया है, पुण्यश्री रिपोर्टरी भी, हम कुछ भी आपका साथी, सब कुछ किया, इसलिए आप दीदी को लाना चाहते हैं। मत दीदी के टीम से कुछ लोग बीजेपी में जो चले गए, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? पूरा आदमी है, चोरी करके भाग गया, कोई यहाँ पर कुछ नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। इस बार आपकी उम्र तो 50-56 साल है। 1947 के बाद सिर्फ 2021 है। हमारे ख्याल से बंगाल में इतना महत्वपूर्ण इलेक्शन कभी भी नहीं, इनको नहीं मुकाबला। तो ऐसा जो आप इलेक्शन देख रहे, तो आपने आपको क्या मतलब? दीदी जीतेगा, दीदी एक घर जीते, कोई मुकाबला में नहीं है। चलिए, हमारी बहन भी है, आपका स्वागत है सरप्रस न्यूज लाइव में। आप अपने विधायक के रूप में, एमएलए के रूप में किसको देखना चाहते हैं? दीदी को चाहे। दीदी को चाहे, दीदी ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? दीदी बांग्ला বাড়ির মেয়েকে, নিজের ঘরের মেয়েকে চাই। এই কারণে স্বাস্থ্যসাথী, যুবশ্রী, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, এই কি আমাদের এসএইচজি গ্রুপে আজ আমি নতুন একটা কাজ পেয়েছি সেই দিদির জন্য, ঠিক আছে? আমরা অনেক জায়গায় মানে দিদির কারণে ট্রেনার হিসাবে কাজ পেয়েছি, সেই কাজ বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, সেখানে মজুরি দিচ্ছে, মানে আমরা টাকা পাচ্ছি। তো দিদি তো রোজগার দিচ্ছে, হ্যাঁ, রোজগার একটা, রোজগারে মেয়েদের যে উন্নয়ন, মেয়েদের যে স্বনির্ভরশীল একটা গঠন করেছে, সেটা দিদিই করেছে, আদার্স কেউ করে। এই ভুয়া শুভেন্দু যে চলে গেছে বিজেপিতে, তা আমফানের এত টাকা লুট করেছে, গরিব দুঃখীর মানে হিসাব তো দিতে পারবে না, সেই জন্য বিজেপিতে চলে গেছে। এক নম্বরে তোমার মজাম কাপ্তার ও চিটিং পাক, ও যদি এখানে আসে ওকে জুতো দিয়ে জুতো পিটা করা হবে। আরে বাবুল করে চলে তো পোস্ট করে আছে, আর দিদিকে চাই খেলা হবে, ভাঙা পায়ে ঠিক খেলা হবে। কি খেলা হবে? খেলা হবে ভাঙা পায়ে, ভালো ভাঙা পায়ে খেলা হবে। आलम खान साहब, क्या उम्र है आपकी? 60। 60 साल, जिंदगी की 60 बहारें देखी है, बहुत इलेक्शन आपने देखा, और इस बार 2021 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। सुनिए, हाँ, ममता बनर्जी जो काज किया है, हाँ, बहुत कुछ किया है, हाँ, एक नंबर जो आया, उन्नयन किया, 100 दिन का काज मिला, जैप कार्ड घर घर में मिला, स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला, हॉस्पिटल मिला, 60 साल उम्र हो जाएगा उसको वार्धक्य भत्ता मिला, रास्ता घाट मिला, घर मिला, पानी कल घर घर मिला, बहुत कुछ मिला, हॉस्पिटल मिला, करेंट मिला, क्या जो विकास की बातें? अरे वो तो चोर है, वो तो झूठ बात बोलता है, एक बात बोलता है दूसरा काम करता है, वो तो डाकात है, मोदी का डाकात है, शुभेंदु मोदी का इधर भी डाकात है, 33-35 सब खा के चला गया, वो सारदा कांड भी नहीं, सारदा नारदा भी, शुभेंदु अधिकारी है,
इसलिए भाग गया। हमेशा बोला सोनार बंगला बनाएंगे। अरे काहे सोनार बंगला तो बना दिया है हमारा मुख्यमंत्री। जितना राज्यों में मुख्यमंत्री आए, एक नंबर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। मोदी आएगा तो लोहार मारेगा। एक नंबर बनर्जी है तो लेडीज ममता बनर्जी है। हर कौन आदमी है। चलिए हम लेते हैं, सब तो डाका है। बाबूलाल जी क्या करते हैं आप? दर्जी काम करते हैं। दर्जी का काम करते हैं। और इससे पहले आपने वोट डाला है? वोट डाला। इस बार जो दीदी आपके असेंबली से खड़ी हुई है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। 1.5 लाख वोट, 1.5 लाख वोट से वो जीतेंगे यहाँ से। हाँ जीते। 1.5 लाख वोट से। कोई मुकाबला है यहाँ पर किसी के साथ? जो मुकाबला हो तो भाग जाएगा। नहीं कोई मुकाबला नहीं। वो उसका बाप तो बड़ा चोर है, वो छोटा चोर। उसका पूरा फैमिली चोर। इतना बड़ा धक्का दिया, सोचने वाला काम नहीं। उसको बहुत मारेगा। और वो दिन जलती है। अरे ममता बनर्जी 1 लाख आपका ऊपर में वोट में जीतेगा। 1 लाख ऊपर में वोट ममता बनर्जी जीतेगा। लेकिन दूसरा लाइन में CPM आ जाएगा। तृतीय लाइन में BJP आएगा। BJP 3 नंबर में रहेगा। देखिए ये एक महिला है, गांव की महिला है, धर्म निरपेक्ष कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री ये बता रही है। डेमोक्रेटिक कंट्री में, धर्म निरपेक्ष कंट्री में जो है जय श्री राम के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता। मेरे कहने का मतलब ये गांव की एक महिला होकर के जब ये संविधान को समझ रही है, ये कैसा नेता है जो जय श्री राम के नाम पर वोट मांग रहा है? ऐसा नेता को बायकॉट करनी चाहिए। हम और लेते हैं, बोलिए। अपने नाम तक किनको आप मुख्यमंत्री के तौर पर? दीदी के चाय, दीदी छाड़ा हमारे और काउ के चाय ना। शुभेंदु चोर जो बेटा वो नंदी कुमार बुके लोग लादे पीछे मार वो। हाँ वो मानुषर अहंकार, प्रचुर अहंकार। वो बड़ो छोटो काउ के माने ना, नारी निर्यातन वो बहुत कष्ट दिए छे मानुष के। और सबाई के बोल छे तुम्हारे राम श्री करो, जय श्री राम बोलो। क्यों ओदर के बोलते हो? क्यों हमारे की ईमान नहीं जो ओदर संगे मिले हमारा ई करते जाबो मान सम्मान दी जाबो जय श्री राम बोलते जाबो। संविधान ने इजाजत दिया है आपको अपने मुताबिक मजहब। हमारे हिंदू शास्त्र जो मुसलमान धर्म नहीं है, हिंदू शास्त्र हमारे वास्ते जोर दे जाबो। ओके पीसिया मारबो किसको वोट दीजिएगा? मुख्यमंत्री किसके बनाना चाहती है? मुख्यमंत्री दीदी को चाहिए। दीदी अच्छी लगती है आपको? बंगाल को नैन किया है, नंदीग्राम को नैन हुआ है, आप उनके काम काज से खुश है? बाकी कोई मुकाबला में है कि नहीं? सब दीदी बच्चे नीजिए पाई। चलिए और भी कुछ लोग।
आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? ममता बनर्जी के अलावा कोई नहीं? आपके एमएलए के तौर पे आ रहे या मुख्यमंत्री भी रहेंगे? तो खुशी मिलेगी ना आपके नंदीग्राम, आपकी नंदीग्राम के एमएलए रहेंगी, प्रदेश की मुख्यमंत्री रहेंगी, आपको तो खुशी डबल मिलने वाला है। खुशी नहीं तो मीत झूठ बोले। अच्छे दिन आपके आए हैं? बैंक से पैसा काटने का मतलब ये हो गया प्रधानमंत्री हमारे पद थे बाजार हाट गरीब दुखी की করে খাবে ও গরীব দিকে তুমি হয়ে যদি ও লর্ড চলে কি আমি টাকা খেয়ে আমি টাকা ও আমি টাকা দিয়েছে শুভেন্দু জি শুভেন্দু জি আর ভি কিছু লোক বলনা চাইতে হ্যাঁ দেখে আপনি বলা মহিলা চলে আমি সে বাতে করতে প্রথম সে বলেগে না আপনি সব আপনি বলেঙ্গে জি ও যে কিয়া থা প্রথম সে 14 মার্চ সে বলেঙ্গে না আপনি বলেঙ্গে বলো আম কেস কা আদমি হ্যায় ইসলাম বলেঙ্গে কে বলো 14 মার্চ সে বলি বাংলা সে বলে না হিন্দি সে বাংলা সে বলো বাংলায় বলো বাংলা হিন্দি মিক্স করে বলো ভালো হবে নেই নেই আমি থোড়া বাংলা বল দেঙ্গে তো রাত মে হিন্দি বলেঙ্গে আচ্ছা ঠিক পহলে সোচ লো 14 মার্চ में जो नंदीग्राम में गंडगोल लगा था शुरू गंडगोल लगाया कौन लगाया शुभेंदु तिगर लगाया क्या बताते क्या ये नहीं वो सीपीएम मारा है नहीं वो मार के नाम देते थे सीपीएम का जो जाए यहाँ झमला ऐसा किया है आज दीदी जो कहा था दीदी को जो फांस दी गया ना वो ऐसा कर दिया कि कोलाघाट में दीदी को अटक कर दिया कोलाघाट ब्रिज का ऊपर एक मुसलमान लड़का था वो उसी को क्या कहते ना गाड़ी पकड़ गाड़ी से लेके आते क्या मोटरसाइकिल से उसका नाम क्या था कपूर नाम तो को मालूम नहीं था है शुभेंदु जो सुना था जो दीदी को लेके आया कहा तो हम लोग से आया तो हम लोग से फिर इधर उधर कर गुली गुली रास्ता लेके नंदीग्राम बाजार पर आ रहे हैं इस बार दीदी जो है आपके नंदीग्राम से जो है एमएलए की फाइट कर रही इसके बारे में क्या बोलते हैं इसके बारे में क्या बोले दीदी जीतेंगे तो यार क्यों जीतेंगे यार सुभेंदु जी कौन है तो वो खाती का आदमी खाती रहेंगे और अगर भीख मांग के खाने होगा उसी का जो बाप भाई सब तो चले गए बीजेपी तो दीदी को दीदी रहेगी और मिर्जापुर से जो नंदीगंज में है ना दीदी दीदी रहेगा और वो भगा कोई नहीं जाएगा कोई मुकाबले में नहीं कोई मुकाबले दूर तक नहीं है वो तो क्या उसको हटाओ छुट्टी जो देखो जितना सब लेकिन क्या है ना हटाओ छुट्टी भगाओ क्या नाम लगे आपका हमारा नाम शराफत शराफत खान साहब देखिए शराफत भाई गुस्से से बोल रहे थे उन्होंने अधिकारी जी के बारे में क्या बोला नहीं बोला वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं सरप्रस न्यूज लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट है नंदीग्राम से है नंदीग्राम का एक एक वोटर महिला हो जेंट्स हो पुरुष हो कोई भी हो एक ही जबान पे है कि दीदी को वोट देना है टीएमसी को लाना है इसके अलावा किसी के जबान पे कुछ भी नहीं है चलिए हम और लोगों से बातें करेंगे डायरेक्ट जमीनी हकायक बताएंगे कोई इधर उधर की बात नहीं डायरेक्ट नंदीग्राम के लोग आपसे रूबरू में करवाऊंगा देखते रहिए सरप्रस्त कैमरा मैन महताब के साथ दीजिए मैं इजाजत थैंक यू।